क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न, बर्न कितने टाइप के होते हैं? बर्न इंजरी आर डिस्क्राइब अकॉर्डिंग टू द डेप्थ ऑफ द इंजरी। अब बर्न को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बर्न। कवर करेंगे बर्न, जो कि हमारा इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम डिसऑर्डर एंड इट्स मैनेजमेंट का फर्स्ट टॉपिक है। यूनिट हमारी 10 स्टार्ट हो गई है। अभी अभी हमने ऑन्कोलॉजी यूनिट खत्म की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो सबसे पहले देखेंगे हम अपनी डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या देखेंगे दोस्तों? इंजरीज दैट रिजल्ट फ्रॉम द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और एक्सपोजर ऑफ एनी थर्मल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल और रेडिएशन सोर्सेस आर टर्म्ड एज बर्न। तो बर्न की डेफिनेशन क्या हुई? एक तरीके की इंजरीज होती हैं, कहाँ पे? स्किन पे होती हैं या हमारी बॉडी में कहीं पे भी हो सकती हैं, मसल्स को अफेक्ट कर सकती है, बोन को भी अफेक्ट कर सकती हैं। ये किसकी वजह से होती है? हो सकती हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और एक्सपोजर टू एनी थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और रेडिएशन सोर्सेस आर टर्म्ड एज बर्न्स। इटियोलॉजी क्या होती है, यानी कि कॉसेस क्या होते हैं यहाँ पे? सबसे पहले आता है थर्मल बर्न्स। थर्मल बर्न्स में क्या होता है? कॉज्ड बाय द एक्सपोजर और द कॉन्टैक्ट विद द फ्लेम, हॉट लिक्विड्स, सेमी लिक्विड, स्टेम और हॉट ऑब्जेक्ट्स, ड्राई एंड मॉइस्ट बर्न्स। इसीलिए ड्राई एंड मॉइस्ट बर्न्स भी कहते हैं थर्मल बर्न्स को। ये किसकी वजह से हो सकता है? कोई भी कहीं पे भी आग लगी है उसके कॉन्टैक्ट में, या खुद से किसी ने बर्न कर लिया हो। हॉट लिक्विड जैसे कि गर्म तेल, गर्म पानी, सेमी लिक्विड भी जैसे कि एक पूरा लिक्विड नहीं है या और सॉलिड भी नहीं है। स्टेम और हॉट ऑब्जेक्ट कोई भी हॉट जैसे कि गर्म लोहा, इस तरीके के ड्राई और मॉइस्ट बर्न हो सकते हैं थर्मल बर्न्स के अंदर। देन आता है केमिकल बर्न्स। केमिकल बर्न्स में क्या होता है? बाय स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे कि किसी पे एसिड डाल देते हैं तो वो केमिकल बर्न होता है। स्ट्रॉन्ग ग्लेज, डिटर्जेंट एक्सेट्रा, लाइक कई डिटर्जेंट भी इस तरीके के होते हैं जिनकी वजह से बर्निंग सेंसेशन होती है, बर्न होता है। यानी कि कोई भी एक तरीके का केमिकल जिसकी वजह से हमारी बॉडी पे स्किन इफेक्ट हो, बर्न हो, उसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल बर्न बोलेंगे। देन आता है इलेक्ट्रिकल बर्न, कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट और शॉर्ट सर्किट। देन आता है रेडिएशन बर्न, बाय यूवी, अल्ट्रा वायलेट रेज और एक्सरेज की वजह से भी बर्न हो सकता है। देन देखेंगे इसके रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में हमने क्या पढ़ा? अब जो भी आप यहाँ पढ़ रहे हैं, मैं चाहूंगी आप इसको साथ में लर्न भी कर लें। लर्न कैसे करना है? जो जो मैं आपको बता रही हूँ इसमें से अगर आप एक भी पॉइंट याद रखते हैं या फिर सिर्फ हेडिंग्स भी याद रखते हैं, वो भी आपके लिए समझिएगा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, आपने कवर कर लिया। ऑल बर्न्स इंजरी रिजल्टिंग फ्रॉम दिस एक्शन ऑफ विक्टिम पेशेंट, होम एनवायरमेंट, कॉन्टेक्ट विद दी स्कैल्डिंग हीट और नियर बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड क्लोटिंग इगनिशन ड्यूरिंग मील प्रिपरेशन, रेजिडेंशियल फायर। यानी कि क्या क्या रिस्क फैक्टर है जहाँ पे बर्न हो सकता है? यहाँ पे लाइक होम एनवायरमेंट, जैसे किचन में काम करते व्यक्ति या कुछ भी ऐसा, कॉन्टेक्ट विद स्कैल्डिंग यानी कि हीट और नियर बॉइलिंग पॉइंट, कोई भी ऐसा बॉइलिंग लाइक वाटर बॉइल कर रहे हैं कुछ भी ऐसा, उसके कॉन्टेक्ट में आ जाना कोई भी लिक्विड, क्लोटिंग इरिगेशन ड्यूरिंग मील प्रिपरेशन। मील यानी कि खाना बनाने वक्त किसी भी जैसे क्या होता है, क्लोटिंग इग्निशन हो जाना। देन आता है रेजिडेंशियल फायर, अगर घर में ही कोई किसी तरीके की आग लग जाए तो ये रिस्क फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि एक ह्यूमन को भी बर्न हो सकता है। देन आता है सीवियरिटी ऑफ बर्न। दोस्तों सीवियरिटी ऑफ बर्न क्या होता है? सीवियरिटी डिपेंड अपॉन द सोर्सेस ऑफ इंजरी, ड्यूरेशन, डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट। यानी कि ये सीवियरिटी किस पे डिपेंड करती है कि सोर्स क्या था इंजरी का, लाइक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, आगे आग के कॉन्टैक्ट में आना, या लाइक सनबर्न हुआ वो दूर की हीट है कितनी, और ड्यूरेशन लाइक कितने टाइम तक चलता रहा।
अगर किसी को आग लगी तो कितने टाइम तक वो चलता रहा, ड्यूरेशन, उससे पता चलता है कितने सीवियर है। डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, लाइक कोई भी बर्निंग ऑब्जेक्ट है, कुछ भी ऐसा हो तो उससे कितने डिस्टेंस पे वो बर्न हुआ है। लाइक सन बर्न है, वो बहुत दूर से होता है तो इतना वो अफेक्ट नहीं करता, उसके बहुत सारे ट्रीटमेंट इजिली अवेलेबल होते हैं। देन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न, बर्न कितने टाइप के होते हैं। बर्न इंजरी आज डिस्क्राइब अकॉर्डिंग टू द डेप्थ ऑफ द इंजरी। अब बर्न को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, लाइक हम किस तरीके से बोलेंगे कि बर्न के भी कोई टाइप होते हैं। अब बर्न कितने तरीके से होता है वो हमने देख लिया, थर्मल होता है, केमिकल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, रेडिएशन होता है।